देश में कोरोना कहर इस कदर बरपा है कि लाखों जाने जा चुके हैं और लाखों इससे लड़ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। आलम यह है कि 14 साल में पहली बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल को बीच सीजन में रोकने का फैसला किया है। इस फैसले से दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर क्रिकेट लीग की कमाई सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। टूर्नामेंट को रोके जाने तक 60 में से 29 मैच खेले जा चुके थे, यानी लगभग आधा सीजन खेला जा चुका था। ऐसे में अगर भारतीय बोर्ड इस साल टूर्नामेंट को पूरा करने में असफल होता है तो उसे अपने कुल कमाई का आधे से ज्यादा गंवाना पड़ेगा। बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस बारे में बताया है और अंदाजा लगाया है कि करीब 2500 करोड़ रुपए की कमाई बीसीसीआई के हाथों से निकल जाएगी। 2008 में लीग की शुरुआत के बाद से ही आईपीएल भारतीय बोर्ड के लिए कमाई का सबसे बेहतरीन जरिया बना हुआ है। बोर्ड को हर साल इससे हजारों करोड़ों की कमाई होती है। पिछले साल कोरोना वायरस के कारण टूर्नामेंट को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करना पड़ा था। उस वक्त टाइटल स्पॉन्सर वीवो के हटने से बीसीसीआई को कुछ नुकसान हुआ था, फिर भी उस सीजन में बोर्ड को करीब 4000 करोड़ की कमाई हुई थी। अब इस साल वीवो के वापस आने और कई अन्य स्पॉन्सरों के जुड़ने से कमाई में इजाफे की उम्मीद थी। पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष ने लीग के निलंबन के बाद पहली बार इस मामले पर बात की। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ से बात करते हुए गांगुली ने कहा कि अगर हम आईपीएल को पूरा करने में नाकाम रहे तो करीब 2500 करोड़ के आसपास का नुकसान हो सकता है। ये शुरुआती आकलन है। वहीं गांगुली ने साथ ही कहा कि ये कहना मुश्किल है कि बबल के अंदर खिलाड़ियों में कोरोना का संक्रमण कैसे हुआ। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि जब आईपीएल 2021 का आयोजन भारत में कराने पर सहमति बनी थी तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि महामारी देश में इस तरह पांव पसार लेगी। फरवरी में हाल इतना बुरा नहीं था, ये जो भी हुआ पिछले 3 हफ्तों में हुआ है। खैर, देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरसाया और अब परिणाम सबके सामने है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।